हेलो दोस्तों, आजकल आपने देखा है कि हमारे दांतों के रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो गई है। कभी लोग बोलते हैं कि मसूड़ों में स्वेलिंग आ गई है, यानी कि फूल गए हैं, दांतों में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, हिलने लग जाते हैं। या आपने देखा होगा कि आजकल हमारे दांत बहुत ही वीक हो गए हैं। पहले आपने देखा था कि हमारे पेरेंट्स होते थे या हम भी जब छोटे थे तो क्या होता था, गन्ना वगैरह जैसे ऐसे ही खा लेते थे। पर आजकल के बच्चों को बोल दो कि गन्ना छील के खा ले तो नहीं खाया जाएगा, वो बोलेंगे या तो दांत हिलने लगे हैं या दांत में दर्द हो गया है। तो इसका मतलब है कि आजकल हमारे दांत वीक हो गए हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? हम आज के टाइम में भी अपने दांतों को कैसे मजबूत बना सकते हैं या लोहे जैसे मजबूत बना सकते हैं, ताकि हम कुछ ऐसी चीजें तोड़े तो हमारे दांत, ये ना में हमारे दांत हिलने लगे हैं, तो ऐसे वीक ना रहे, ना ही हमारी ये यूथ में ये प्रॉब्लम हो, ना ही आने वाले हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम हो। तो पहले से ही हम ध्यान रखेंगे तो हमारे दांत वीक होंगे ही नहीं। और जो मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगी वो सिर्फ आपके दांतों को मजबूत ही नहीं करेगी, बल्कि आपको जो गम्स की, मसूड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार इंफेक्शन हो जाता है या ब्लीडिंग आने लग जाती है, जैसे कैरीज जो कीड़ा है वो जल्दी लग जाता है, या आपके दांतों में दर्द होता है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की कमी के कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। होम रेमेडी बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो चीज क्या है? ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग बहुत सारे लोगों ने सुनी भी हुई है, नहीं भी सुनी हुई। ऑयल पुलिंग बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है, जो आप अपने बच्चों को भी करा सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो, ओल्ड एज में भी करा सकते हो, किसी को भी करा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। ऑयल पुलिंग होती कैसे है? जैसे हम पानी लेते हैं, गिलास लेते हैं, ठीक है, और मुंह के अंदर रखते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ना, कई बार हम कुल्ला करते हैं, इस तरह घुमाते हैं उसको, इस तरह से, इसी तरह ऑयल पुलिंग होती है। तो हमें उसमें लेना है नारियल का तेल या सेसम का तेल, जो तिल का तेल आता है उसका भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि नारियल का तेल घर में मिल जाता है, तिल का तेल बहुत बार नहीं मिलता है, तो तिल का तेल तो लाना पड़ता है, इसलिए नारियल का तेल आप यूज कर सकते हो। आपको करना कैसे है? 2 चम्मच आपको नारियल का तेल लेना है, मुंह में रखना है और उसको पूरे मुंह में घुमाना है, इस तरह से, जितनी देर भी आप घुमा सकते हो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितनी बार भी आप, जितनी देर भी आप रख सकते हो। फिर उसको आपको थूक देना है, उसके बाद में दोबारा 2 चम्मच लेना है, इस तरह आपको 3 से 4 बार करना है। और ये करना कब है? ये आपको ब्रश करने से 10 से 15 मिनट पहले करना है, जब आप सुबह ब्रश करते हो उससे 10 या 15 मिनट पहले करना है, उसके बाद में आपको 10-15 मिनट बाद में ब्रश कर लेना है। ये आपकी जो मैंने पहले बताई है वो प्रॉब्लम तो सोल्व करेगा ही करेगा, साथ में आपकी जो, आपने देखा होगा कि प्लाग येलो येलो सा जमा जम जाता है हमारे दांतों में, फिर उसके बाद कैलकुलस हो जाती है, यानी कि पत्थर जैसा जम जाता है, फिर टार्टर हो जाती है, तो वो वाली भी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, वो बार बार जमेगा नहीं। क्योंकि ऑयल पुलिंग क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हम खाना खाने के बाद में जो बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, उनको रिमूव कर देता है और हमारे दांत है वो क्लीन हो जाते हैं, जो जमा हुआ है वो टोटली बाहर निकल जाता है। उस वजह से क्या होते हैं, फिर हमारे दांत या मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन होता ही नहीं है, ना ही वो खराब होते हैं। और डेली आपको शाम को ब्रश जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अभी भी रात का डिनर करने के बाद में ब्रश नहीं करते हैं, तो रात का ब्रश बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको वो तो करना ही करना चाहिए। अगर आपके दांत हिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा ब्रश करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो आप ऑयल पुलिंग तो कीजिए, साथ में आप नमक पानी के कुल्ले कर सकते हैं। आप देखोगे, आप 2 से 3 दिन इसको कंटिन्यू करोगे तो आप अपने दांतों के अंदर खुद ही चेंज देखोगे। अभी आप अपने दांतों के जीभ लगा के देखना, जो टंग है वो लगा के देखना, खुरदरे महसूस होंगे। जब 2 से 3 दिन आप इसको यूज करोगे, ऑयल पुलिंग वाला, नमक पानी वाला, तो आप देखोगे कि आपके दांत थोड़े थोड़े पहले से ठीक होने स्टार्ट हो गए हैं, और आपको ये सब बीमारियों से दूर रखेगा। ऑयल पुलिंग बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है, आप करके देखिए। आपको डेंटिस्ट के पास में, जहाँ आप अभी 10 चक्कर लगाते हो डेंटिस्ट के पास में, फिर आपको सिर्फ 2 ही लगाने पड़ेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बच्चों के भी दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, वीक होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि कैल्शियम की अगर कमी है
तो आपको अच्छी डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होगी। अगर सप्लीमेंट चाहिए कैल्शियम का तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी कि आप कहाँ से अच्छी कंपनी का परचेज कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ भी समझ नहीं आए हो, टूथ रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मेरा हेल्थो ग्रुप भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए।